दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले सीडीएस विपिन रावत सर और उनकी पत्नी समेत सभी 13 शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश आप सभी को हमेशा याद रखेगा। अपनी जिद को बड़ा करो, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले ना तो तुम खुद अपने दम पर बना लोगे। आज मैं आपको एक ऐसे आईएएस टॉपर की कहानी सुनाऊंगा जो हर उस स्टूडेंट को हिम्मत देगी जो एक छोटे से शहर में, छोटे से गांव में एक बड़ा सा सपना जैसे आईएएस बनने का देखता है। क्योंकि इस लड़की की हिम्मत का कदम कदम पर इम्तिहान हुआ, शारीरिक, मानसिक, घरेलू समस्याओं से, यहाँ तक कि ये भी कहा गया ये तो लड़की है कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कैसे उसने हिम्मत बना के रखी आपको ये वीडियो के आखिरी तक समझ आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दिल से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगस्त का महीना था, सतना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव अमद्रा में एक वकील शिक्षिका दंपत्ति के यहां बेटी पैदा हुई। गांवों के रूढ़िवादी परिवारों में बेटियों के हिस्से जश्न कम, पाबंदियां, हिदायतें और नसीहतें ज्यादा आती हैं। जाहिर है इस बेटी की पैदाइश पर भी ढोल नगाड़े नहीं बजने थे, लेकिन दो लोग आनंदित थे। उनका दाम्पत्य जीवन जो महक उठा था, इसलिए उन्होंने नाम रखा सुरभि। सुरभि की खुशकिस्मती थी कि माता पिता दोनों शिक्षा का मूल समझते थे। परिवार के अन्य बच्चों की तरह गांव के सरकारी स्कूल में सुरभि का भी दाखिला हुआ। वो हिंदी माध्यम स्कूल था। शुरू से ही सुरभि कमाल करती रही, मगर परिवार के ज्यादातर सदस्यों के लिए ये कोई खास बात नहीं थी क्योंकि वो एक लड़की थी। मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कूलों में पांचवी में भी बोर्ड परीक्षा होती है। परिणाम आने पर टीचर ने सुरभि को बुलाया और पीठ थपथपाते हुए कहा, आपको गणित में 100% अंक मिले हैं। मैंने बोर्ड परीक्षा में आज तक किसी को 100 में से 100 पाते नहीं देखा। शाबाश, आगे आप बहुत अच्छा करोगी। ये जादुई शब्द थे जो सुरभि के दिमाग में अंकित हो गए। शिक्षिका ने अपना मूल धर्म निभा दिया था। इसके बाद सुरभि पढ़ाई के प्रति और ज्यादा गंभीर हो गई। इसी बीच उनके जोड़ों में रह रहकर दर्द उठने लगा था, पर वो उसे नजरअंदाज करती रही। धीरे धीरे दर्द पूरे शरीर में फैल गया और एक दिन वो बिस्तर में लग गई। स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर माता पिता सुरभि को लेकर जबलपुर भागे। वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा, सुरभि को रूमेटिक फीवर है। ये बीमारी हृदय को नुकसान पहुँचाती है और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। ये सुनकर माता पिता एकदम चौंक गए। डॉक्टर ने सुरभि को हर 15 दिन पर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी। पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने को कई MBBS डॉक्टर भी तैयार नहीं होते क्योंकि ये जोखिम भरा होता है। गाँव में कुशल डॉक्टर भला कहाँ मिलता। हर 15वें दिन सुरभि को जबलपुर जाना पड़ता, पर कमजोर सेहत अभावों के बीच सेल्फ स्टडी से सुरभि आगे बढ़ती रही। 10वीं बोर्ड में उन्हें न सिर्फ गणित बल्कि विज्ञान में भी 100% अंक मिले। उन्हें राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में गिना गया। अखबारों में उनके इंटरव्यू छपे। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आगे क्या करियर चुनेंगी, तो सुरभि को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जब पत्रकार ने दोबारा पूछा, तब उनके मुंह से अचानक निकल आया, बड़ी होकर मैं जिला कलेक्टर बनना चाहती हूँ। कलेक्टर बनने के सपने ने अब अंगड़ाई लेना शुरू किया। अखबार में खबर छपी, कलेक्टर बनना चाहती हैं सुरभि। इस शीर्षक ने सुरभि के हृदय को छू लिया, जबकि उस वक्त वो जानती भी नहीं थी कि कलेक्टर कैसे बना जाता है। 12वीं में विज्ञान में सर्वाधिक अंक के लिए उन्हें APJ अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप मिली। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास करके वो भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची, जहां इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग में उन्हें दाखिला मिल गया। वो पहली लड़की थी जो उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव की दहलीज से बाहर निकली थी। अब सफर था कॉलेज का। कॉलेज का वो पहला दिन था। भौतिकी की कक्षा में एक के बाद एक दूसरे छात्र फर्राटेदार अंग्रेजी में अपना परिचय दे रहे थे। इधर सुरभि सुन्न पड़ती जा रही थी। वो तो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। किसी तरह से पहले के साथियों के शब्दों को जोड़ जोड़ कर उन्होंने अपना परिचय तो दे दिया, मगर प्रोफेसर ने उसी वक्त उनसे भौतिकी का एक सवाल पूछ लिया, Tell me the definition of potential. सुरभि खामोश खड़ी रही। प्रोफेसर ने हैरानी से कहा, आप वाकई 12वीं पास करके आई हैं? आपको एक बेसिक सवाल का उत्तर नहीं पता। यहाँ समस्या भौतिकी थी ही नहीं, अंग्रेजी थी। वो जवाब नहीं दे पाई। जब वो हॉस्टल के कमरे में पहुंची तो जाके वहाँ पे फूट फूट कर रोने के बाद सुरभि ने माँ पापा को फोन कर घर लौटने की इच्छा जताई। तब पिता ने कहा, आ सकती हो, लेकिन ये याद रखना, ऐसा करके आप गांव की अन्य लड़कियों के लिए भी दरवाजा बंद कर रही हो। सुरभि को यह बात दिल पे लग गई। उन्होंने तय कर लिया कि इस सेमेस्टर के अंत तक वो फ्लुएंट अंग्रेजी बोलकर रहेंगी, और पहले सेमेस्टर में वो न सिर्फ कॉलेज बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी की टॉपर रही।
सुरभि 20 साल 6 महीने की थी जब बीई की डिग्री उनके हाथों में थी। इसके बाद उन्होंने जितनी भी परीक्षाएं दी सभी में उनका चयन हुआ। आईईएस परीक्षा में देश की पहली महिला टॉपर सुरभि गौतम को भारतीय रेलवे में काम करते हुए बहुत आनंद नहीं आ रहा था। तब मां ने अखबार में छपे उस शीर्षक का स्मरण कराया जिसमें लिखा था, सुरभि जिला कलेक्टर बनना चाहती हैं। सुरभि का सपना आईएएस अफसर बनने का था। 2016 की सिविल सेवा परीक्षा में पहले प्रयास में 50वीं रैंक पाने वाली सुरभि कहती हैं, कोई भाषा दीवार नहीं होती, ठान लीजिए तो वो आपके अधिकार में होंगी। दोस्तों, ये थी हिम्मत से भरी सुरभि की कहानी। ऐसी जरूरी परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोकस का होना। लेकिन फोकस कैसे करते हैं, अगर आप सीरियसली ये जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को अभी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी अपीयरेंस टू मोटिवेटेड विद सिडिमेनिया।